हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। अथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी के बाद अब बॉलीवुड में दूसरी शादी होने जा रही है। अब कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी को लेकर चर्चा जोरों पर है। कियारा उनके पेरेंट्स शादी के लिए जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज शाम से ही सिद्धार्थ और कियारा के प्री वेडिंग फंक्शंस शुरू हो जाएंगे, यानी कि शनिवार रात से ही जो प्री वेडिंग फंक्शंस है वो शुरू हो चुके हैं। बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ये कपल 6 फरवरी को शादी करने जा रहे हैं। कियारा अपनी शादी में डिजाइनर लहंगा पहनने वाली है। खबरों की माने तो फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के वेडिंग लहंगे में कियारा नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि कियारा अपनी शादी में मनीष मल्होत्रा की डिजाइन किया हुआ लहंगा पहन सकती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर दोनों को स्पॉट किया गया है। वे पेस्टल कलर का लहंगा पहनने की बजाय रेड कलर के ब्राइडल लुक में नजर आने वाली हैं। कियारा को अक्सर इवेंट्स और पार्टीज में डिजाइनर कपड़ों में ही स्पॉट किया गया है, जिसमें स्वीकल वर्क जरूर नजर आता है। मनीष मल्होत्रा के ड्रेसेस में ट्रेडिशनल टच के साथ वेस्टर्न तड़का देखने को मिलता है। मनीष के आउटफिट में सीक्विन वर्क के कारण ही शिमरी इफेक्ट देखने को मिलता है। बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा जैसलमेर की आलीशान होटल सूर्यगढ़ में शादी करने वाले हैं। ये सूर्यगढ़ पैलेस एक शानदार लोकेशन है। ये सुनहरे बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये महल जैसलमेर के सबसे अच्छे होटल्स में से एक है। यहाँ अधिकतर आलीशान शादियां करवाई जाती हैं। इस महल में विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है। इस महल को शानदार साज सज्जा और राजपूत रूप दिए गए उद्यानों और कोर्टयार्ड से सजाया गया है। शादी के लिए यहाँ आलीशान 73 गेस्ट रूम है। कियारा अपने पेरेंट्स के साथ यहां पहुंची हुई हैं। वहीं सिद्धार्थ भी जैसलमेर के लिए रवाना शनिवार को ही हो चुके हैं। कियारा आडवाणी और उनका परिवार सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी शादी के लिए राजस्थान पहुंच गया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में भव्य समारोह में शादी करने वाले हैं। तो सिद्धार्थ और कियारा की शादी का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। दोनों ने कभी खुलेआम अपने प्यार को स्वीकारा नहीं, लेकिन कभी इसे नकारते भी नहीं देखा गया। कियारा और सिद्धार्थ की शादी से इनका परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। कियारा का पूरा परिवार सूर्यगढ़ पैलेस पहुंचा हुआ है और वहां लड़के वालों यानी कि सिद्धार्थ के परिवार के स्वागत का इंतजार है। वहीं सिद्धार्थ का परिवार भी दिल्ली से जैसलमेर के लिए रवाना हुआ। कियारा और सिद्धार्थ की शादी पर अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब कियारा के पिता का इस पर रिएक्शन सामने आया है। पिपराजी ने कियारा को अपने परिवार के साथ हवाई अड्डे पर आते हुए देखा। जब उनके पिता जगदीप आडवाणी से सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ कियारा की शादी पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बस ना कहा, ऑल द बेस्ट। इससे पहले कियारा को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखा गया था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिसका लहंगा उस सिद्धार्थ के साथ अपनी शादी में पहनने वाली है। शादी की वेन्यू पर मेहमानों का आना शुरू हो गया है, जहां कपल ने करीब 80 कमरे बुक किए हुए हैं। इस निजी शादी में सिद्धार्थ और कियारा के करीब 100 से 125 करीबी दोस्त और परिवार के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। करण जौहर, शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, मनीष मल्होत्रा, वरुण धवन और विकी कौशल लगातार लिस्ट में शामिल है। राजस्थान में अपनी शादी का जश्न खत्म करने के बाद सिद्धार्थ और कियारा रिसेप्शन के लिए दिल्ली जाएंगे और फिर बॉलीवुड रिसेप्शन के लिए मुंबई लौट आए गए। ये जोड़ी अभी भी अपनी शादी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसा लगता है कि उनकी ओर से केवल आधिकारिक पुष्टि उनकी शादी के बाद इंस्टाग्राम पोस्ट के रूप में आई है। हमें भी इंतजार है। वैसे अभी से ही बहुत बहुत मुबारकबाद कियारा और सिद्धार्थ। तो ऐसी ही मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।